तो कैसे हो भाई सारे को, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने टाटा टिगोर की सर्विस कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत टाइम से ड्यू है यार। क्योंकि हम चला सकते हैं गाड़ी को सिर्फ 7,500 किलोमीटर एक सर्विस के बाद। वैसे नॉर्मली कार्स में 10,000 या 1 साल वाला होता है, लेकिन इसमें थोड़ा है कि हर 7,500 किलोमीटर में आपको सर्विस करानी ही होगी। तो पहले मैंने जब कराई थी तब 17,500 किलोमीटर चल रखी थी, एंड अब ये बहुत ही, अब मेरी रनिंग बढ़ गई है तो ये 27,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो मोटा मोटा 9,500 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो 2,000 किलोमीटर मैं अब भी चला चुका हूँ इसको। तो थोड़ी गाड़ी वाइब्रेशन भी ज़्यादा कर रही है आइडल में भी, एंड मतलब मांग रही है सर्विस चलाने के, उस पर भी मेरे को लग रहा है पहले दूसरे गियर में भी एंड पावर पिकअप में भी फ़र्क आ जाता है यार कहीं ना कहीं, जो मेरे को लगता है। एंड दिक्कतें की बात कर लें तो पूरी गाड़ी रैटल भी कर रही है मेरी, एंड ये वाला दरवाज़ा मेरा बाहर से नहीं खुलता, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। मैं खोलता रहता हूँ, बाहर से नहीं खुलता, एंड कभी कभी खुल भी जाता है, कभी कभी नहीं खुलता। एंड अब मैं फरीदाबाद में ही अपने एक जाऊँगा सर्विस सेंटर में टाटा के, एंड आपको फिर बताता हूँ, बिल विल सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या गाड़ी में चेंज हुआ है एंड क्या सर्विस कॉस्ट रहती है अपनी टाटा टिगोर की। कुछ भी फ्री नहीं होगा इसमें, लेबर कॉस्ट भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, एंड अगर कोई पार्ट चेंज होगा तो वो अलग होगा। तो अब सर्विस सेंटर जा रहा हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। पहुंच गए भाई टाटा के सर्विस सेंटर। तो भाई अब अपनी गाड़ी अंदर जा रही है, तो अब ये सब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जो भी अपना सामान वामान ले जाओ, और 2500-2600 का बिल बनाने के लिए बोला है इन्होंने, और लेबर अलग लगेगी क्योंकि ये मेजर सर्विस नहीं है, इसमें बस टॉप अप वगैरह ही होने हैं। तो अब देखते हैं कितना बिल बनता है, मेरे हिसाब से 3500 तक का बन जाएगा, बाकी आपको बताऊंगा मैं एंड में। तो भाई मैं तो आ गया था ऊपर सर्विस लॉन्च में, और गाड़ी अपनी लग भी चुकी है बहुत ही जल्दी, तो सही काम है यार इनका, तो बढ़िया है। और कह रहे हैं 1-1.5 घंटे में दे भी देंगे, क्योंकि मेजर वाली सर्विस है नहीं है, एंड लगा दी इन्होंने, मतलब 5-10 मिनट में ही लगा दी इन्होंने वो ही। एंड बिल बिल का जो है मैंने आपको बता ही दिया था, एंड में पूरा आपको बिल शेयर कर दूंगा कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। एंड जो दिक्कतें थे वो मैंने बता दी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, रैटलिंग नॉइज एंड सब कुछ। चलो देखते हैं भाई ये ठीक कर पाते हैं कि नहीं। और मैंने इनको बोल दिया था सर्विस वाला जो ड्यू वाला है वो भी हटा देना, पिछली 2 सर्विस से वो हटा ही नहीं है। तो भाई अब ये अपना day 2, एंड कल मैं सर्विस वर्विस करा के आ चुका था, तो रात हो गई थी तो मैंने वीडियो नहीं कंटिन्यू करी। तो ये अपना day 2 है, एंड इसमें मैं आपको पहले तो सर्विस कॉस्ट बताने से पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें गाड़ी में चेंज भी हो गई हैं। अब इसमें नए लिंक रॉड्स डल चुके हैं, एंड स्पार्क प्लग्स भी इसमें इंस्टॉल हुए हैं, वो भी ख़राब निकले, लिंक रॉड्स भी ख़राब थी, एंड वॉशर के नए ब्लेड्स लगे हैं। तो और सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो 5,321 रुपये की मेरी सर्विस हुई है टाटा से, एंड ये कुछ इसका वो है क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं अपनी कार में। तो सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो यार वैसे तो ठीक ही है 5,321 रुपये, लेकिन ये मेजर नहीं थी, एंड मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज कराई बस, जो कि कभी कभी ही करानी चाहिए। इसमें मैंने एयर इनटेक सिस्टम जो पिकअप थोड़ा सा बढ़ाता है वो क्लीन करवाया, तो वो मेरे को वो पड़ा है 650 रुपये का, एंड अगर आप उसमें वो माइनस कर लो कि अगर किसी को नहीं कराना तो। एंड अलाइनमेंट बैलेंसिंग इसमें कुछ भी नहीं हुई है, तो अगर सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो हाँ मेरे को तो ठीक ठाक ही लगी, क्योंकि पार्ट्स भी चेंज हुए हैं इसमें, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना वो कह रहे थे 2,800-3,000 रुपये तक की आती, तो वैसे तो ठीक है। तो ये थी भाई कुछ आज की वीडियो सर्विस पे अपनी टाटा टिगोर की, थैंक यू सो मच।